उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रों से पहले रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के उत्सव को शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गा प्रतिमाएं सड़कों पर नहीं बल्कि सार्वजनिक पार्कों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थापित की जानी चाहिए ताकि यातायात बाधित न हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में करीब 44,000 से ज्यादा स्थानों पर दुर्गा मूर्तियां स्थापित होंगी और अधिकारियों को पूजा समितियों से उनकी स्थापना से पहले संवाद करना होगा। उन्होंने कहा कि दशहरे के साथ ही वाल्मीकि जयंती, बारावफात, दीपावली और छठ अगले कुछ सप्ताह में मनाए जाएंगे, जिनको लेकर प्रशासन 24 घंटे सतर्क रहे। आगे कहा कि त्योहारों के सीजन में बाजारों में भीड़ होगी, इसलिए पुलिस पैदल गश्त बढ़ाएं, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतें। जिलों में नियंत्रण कक्ष को विभिन्न स्तरों पर सक्रिय करें। राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष की निगरानी एडीजी की ओर से की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को सभी स्थानों पर सुरक्षा कड़ी करनी होगी, खासकर उन स्थानों पर जहां रामलीलाओं का आयोजन होता है। उन्होंने नशा, गाय और शराब तस्करों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करें, उनकी संपत्तियों को जब्त कर आगामी 10 दिनों में रिपोर्ट शासन को पेश करें। बता दें कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही दुर्गा पूजा के लिए कुल 121 पंडाल बनाए गए हैं। 54 स्थानों पर रामलीला तो 55 स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम होगा। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 4 प्रमुख स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है।